नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अश्विनी साक आपके अपने चैनल साकेटक में स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो पिछली की वीडियो में मैंने देखा था कि एरे के कॉन्सेप्ट से कैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो आज हम देखने वाले हैं विदाउट यूजिंग एरे के कॉन्सेप्ट से कैसे डेसिमल टू बाइनरी प्रोग्राम को बनाते हैं। तो मेन फंक्शन से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा मेन फंक्शन ये यहाँ से स्टार्ट होता है और इसके बाद मैं यहाँ वेरिएबल डिक्लेरेशन करता हूँ इंट, एक n में वैल्यूज आएगी जो यूज़र देगा। n1 में इसकी कॉपी बनाऊँगा और यहाँ से एक बाइनरी नंबर लेना है जिसमें बाइनरी नंबर को स्टोर कराना है। उसकी वैल्यू मैं 0 से इनिशियलाइज करता हूँ। एक i वेरिएबल यूज़ करूँगा जिसको मैं 1 से इनिशियलाइज करता हूँ और एक रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए एक रिमाइंडर वेरिएबल लेता हूँ। तो इतने सारे वेरिएबल्स की मुझे इस प्रोग्राम में नीड होने वाली है, तो उतने मैंने वेरिएबल डिक्लेयर यहाँ पे कर लिए। अब यूजर को एक मैसेज आना है कि प्रिंट एफ के अंदर कि एंटर डेसिमल नंबर, क्या आना है मैसेज, एंटर डेसिमल नंबर। तो यूज़र क्या करेगा, डेसिमल नंबर को एंटर कर देगा। और यूज़ कर रहा हूँ मैं जिसके लिए फंक्शन scanf फंक्शन होता है और n में वो वैल्यू स्टोर कर देगा। अब इस n की जैसे ही उसने यूज़र ने इनपुट किया तो मुझे इसकी कॉपी बना लेनी है। तो n1 के अंदर मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ n। क्या मैंने कॉपी बना ली, इस n की, ठीक है। कॉपी बना सकते हैं क्योंकि मैं आगे प्रोग्राम में जब डेसिमल नंबर ऑफ दिस नंबर करके लिखूँगा कि डेसिमल नंबर ऑफ दिस इक्वल्स टू बाइनरी नंबर दिस, तो उसके लिए मैंने इसको कॉपी बनाई है। आप ना भी बनाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे तो और अच्छा रहेगा। वाइल कंडीशन में क्या लिखा मैंने, n नॉट इक्वल टू, क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। आपका n होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। n नॉट इक्वल्स टू 0, सीधी सी बात है यूज़र 0 से बड़ी वैल्यू देगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, रिमाइंडर कैलकुलेट कर लिया। रिमाइंडर कैसे किया, n का मॉडलो कराया, किससे, 2 से स्टोर हो गया। अब मैं करता हूँ बाइनरी नंबर बनाता हूँ, तो बाइनरी इक्वल्स टू बाइनरी प्लस इस रिमाइंडर जो निकला है उसका मैं n2 कर दूंगा i से। अब देखो i को यहाँ पे मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया है तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, ठीक। चलो ठीक है, तो i को मैंने यहाँ से इनिशियलाइज कर दिया है। अब इसके बाद मैं करता हूँ इस n को अपडेट, तो n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 2 करूँगा, ठीक। अब i को भी अपडेट करना है तो i इंटू 10 कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इस 10 करने से मुझे फ़ायदा मिलने वाला है बहुत बड़ा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, इतना बना लिया। अब इसके आगे जो बाइनरी नंबर कैलकुलेट होगा उसको मैं प्रिंट कर लूँगा आगे चल के, ठीक है। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये कैसे चल रहा है, लूपिंग कैसे इसमें वर्क कर रही है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, आपका यूज़र ने जो वैल्यू दी है वो 9 दी है, ठीक, समझते जाना बड़े कायदे से। तो यूज़र ने जब 9 दिया, कंट्रोल आया यहाँ पे, n1 में कॉपी बन गई 9, ठीक। यहाँ पे कंट्रोल आता है तो यहाँ पे कंट्रोल जैसे ही आया है तो यहाँ पे जो पहले टाइम पे कंडीशन चेक करेगा, 9 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ये चीज़ करेगा कि नहीं, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जो मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूँ। तो ये नॉट इक्वल टू इसके अंदर आएगा, n का मॉडलो 2 से करेगा। तो देखो मैं 2 का मॉडलो कर रहा हूँ तो रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है, 1 बनी तो आएगा, 4 टाइम्स जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या आएगी वैल्यू, 1 इसमें आएगी, 1 रिमाइंडर में। अच्छा, अब इस चीज़ का कैलकुलेशन इधर मैं करके दिखा रहा हूँ इस जगह पे, समझते जाना, ठीक। देखना ये बाइनरी को मैं b से लिख रहा हूँ, होगा क्या, b इक्वल्स टू बाइनरी कितना है पहले टाइम पे, 0, तो 0 लिख दिया, प्लस रिमाइंडर कितना आया है, 1 लिख दिया, इंटू आई, आई में कितना है, 1 इंटू 1 कर दिया। तो कितना बना जाके मेरा बाइनरी, 1 बना। अभी बाइनरी में कितना आ गया, 1, एन को डिवाइड किया 2 से, क्या मिलेगा, ये 4। अब क्या करना है, 2 से
ये क्या मिला, 4। 4 किस में स्टोर हो गया, n में। n मेरा अपडेट हो गया, कितना हो गया 4। i देखो कितना बना, i कितना है अभी मेरा 1। i इंटू 10 करेंगे कितना हो जाएगा 10। इतना समझ में आ रहा है, ऊपर जाएगा i। अब n ये कंडीशन चेक करेगा, n के पास अब कितना है 4 है, तो इस 9 की जगह क्या आ जाएगा मेरा 4। नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। n मॉडुलो 2 करेगा, अब इसका मैं मॉडुलो 2 से करवा रहा हूं, तो 2 2 4, रिमाइंडर क्या आ रहा है इसकी कंडीशन पे 0, तो 0 स्टोर हो जाएगा रिमाइंडर में, अब 0 आ गया। अब यहां पे आओ, बाइनरी कितना बन चुका है मेरा 1, तो देखो बाइनरी की जगह पहले 0 था, अब कितना हो गया 1 प्लस, रिमाइंडर कितना निकल के आया 0 0 लिख दो, ठीक है। आई में कितना है, आई अब मेरा 10 बन चुका है, देखो लास्ट स्टेप देखो 10। अच्छा भैया, 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाता है, 1 बचता है, 1 मेरा बाइनरी में अभी भी वैल्यू मेरी 1 ही है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। फिर से क्या हुआ, n डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 2 इसके पास। अब 4 अपडेट हो गया, अब क्या हो गया ये 2 हो गया, अब n में कितना हो गया 2। आई अपडेट किया क्या हो गया, पहले था 10, अब इसी में फिर से एक इंटू हो जाएगा 10 का, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा 100 हो गया i की वैल्यू। फिर से जाएगा n नॉट इक्वल टू 0, n में क्या है 2, तो देखो भैया 2, कंडीशन क्या है ट्रू, अंदर आएगा। अब 2 का मॉडुलो कराएंगे तो यहाँ करा लो भैया 1, टाइम जाएगा रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर कितना आया 0 ही आया मेरा। यहाँ देखो बाइनरी में कितना है 1, लास्ट टर्न पे देखो 1 है, 1 प्लस, रिमाइंडर कितना है 0 लेके आया है, तो 0 रहने दो कोई दिक्कत नहीं। आई में कितना है 100 रहने दो कोई दिक्कत नहीं, ये 0 हो जाएगा, बन ही बचेगा, बाइनरी अभी भी मेरा भैया भाई बन ही है, ठीक है। फिर से n को अपडेट किया तो n मेरा कितना निकल के आएगा 1, इसमें 1 आ गया। आई इंटू 10 करेंगे, 10 करेंगे तो क्या होगा, फिर से इसमें 10 का इंटू हो जाएगा, कितना बन जाएगा 1000, बनेगा कि नहीं, आई मेरा 1000 हो गया। फिर से गया, अब ये इसमें 1 लेके आया ना, अब यहाँ पे चेक करेगा नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, अंदर आया। अब इसका जब हम मॉडुलो कराएंगे तो भैया क्या होगा बताओ जरा, इसका कुछ नहीं होगा, रिमाइंडर यही बना रहेगा और यहाँ पे 0 टाइम कर देते, रिमाइंडर यही रहेगा और ये 1 इधर लिख देंगे, ठीक, यही कॉन्सेप्ट है। ये लिखा 1, ठीक, यहाँ 0, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया 0, सॉरी 1, अब रिमाइंडर क्या आया, ये आया भैया ये, ठीक है, तो 1 आया, 1 का रिमाइंडर यहाँ आया। बाइनरी में क्या है भैया 1, देखते जाना, 1 है बाइनरी में, रिमाइंडर कितना है 1। अच्छा आई मेरा कितना हो चुका है, ये आई जो लिखा है, आई कितना हो चुका है 1000। अच्छा बताना भैया, 1 प्लस 1000 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1000 एक होगा कि नहीं, ये किसमें हो गई बाइनरी में स्टोर। फिर से देखो n मॉडुलो 2 कितना निकल के आएगा 0, 0 किसमें स्टोर हो गया n में। i को अपडेट कर दो, i कितना था फर्स्ट, अभी लास्ट टर्न पे मेरा, लास्ट टर्न पे था मेरा कि 1000 इंटू 10 का जब करेंगे तो ये 10000 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो। फिर से ऊपर गया n, अब n में क्या आ गया भैया 0 आ गया, ये वाला 0 देखो, ये वाला लास्ट टर्न पे ये 0 आ गया इसमें n में, ठीक है, n में क्या आ गया 0, तो ये नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो गई भैया फॉल्स, ये कंडीशन अब हो गई फॉल्स, क्या हो गई कंडीशन हो गई भैया फॉल्स। अब इसके आगे प्रिंट एफ में एक मैसेज दे देंगे अच्छा सा, क्या कि नंबर इज दिस, प्रिंट एफ में लिख देना है, यहाँ पे लिख देते हैं इस चीज को कि प्रिंट एफ के अंदर लिख दो डेसिमल नंबर इक्वल्स टू परसेंट डी करके, और फिर लिख दो बाइनरी नंबर इक्वल्स टू परसेंट डी करके लिख दो, और कॉमा करके पहले लिख दो क्या, देखो डेसिमल नंबर की कॉपी क्या बनाई थी एन वन, क्योंकि n तो मेरा डिस्ट्रॉय हो गया ना, इसलिए मैंने कॉपी बनाई थी, तो पहले मैंने n1 लिखा, फिर मैंने क्या लिखा बाइनरी, जो कि ये बाइनरी नंबर को पॉइंट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये बाइनरी लिख दिया, ठीक, बस गेट सी एच प्रोग्राम को होल्ड कर देते,
ठीक है, यहाँ पे बाइनरी लिख दिया और इसके बाद गेट सी एच होगा और ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इसी प्रोग्राम को हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे रन करके आपको दिखाते हैं टर्बो सी की मदद से। चलते हैं, आ चुके हैं हम अपने टर्बो सी की आईडी पर। अब हम देखते हैं कि विदाउट यूजिंग एरे के कॉन्सेप्ट से कैसे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करते हैं। तो सबसे पहले वही काम मेरे पास कि दो बेसिक हेडर फाइल्स होती हैं, उन चीज़ों को यूज़ कर लेना है। इंक्लूड कोनियो डॉट एच वाइड मेन, यहाँ पे मुझे इंट एन नंबर लेना है जिसमें, और एक एन वन बताया था जो कि जिसकी कॉपी बनानी है, और एक रिमाइंडर वेरिएबल लेना है, और एक बाइनरी लेना है जिसमें बाइनरी नंबर को स्टोर कराना है जिसको मैंने जीरो से इनिशियलाइज किया था आई को वन से इनिशियलाइज करने के लिए, बता चुके हैं जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था। प्रिंट एफ में आपको एक मैसेज आना है यूज़र को कि एंटर डेसिमल नंबर, यूज़र को डेसिमल नंबर देना है। तो स्कैन एफ की मदद से इसको स्टोरेज मिल जाएगा रैम के अंदर, तो परसेंट डी के साथ एड्रेस ऑफ एन पास कर दिया। यहाँ पे मुझे एन वन की कॉपी क्रिएट कर लेनी है एन, ठीक है। वाइल लूप स्टार्ट किया, वाइल लूप में लिखा है कि एन जो है वो मेरा नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहे, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो एन का मॉडुलस करने से मिलेगा टू से, ठीक है, क्योंकि बाइनरी है तो टू से डिवाइड करना है। एन को अपडेट कर दिया हमने, एन को यहाँ पर भी अपडेट कर सकते हो और नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाइनरी इक्वल्स टू बाइनरी, बाइनरी इक्वल्स टू, बाइनरी इक्वल्स टू बाइनरी प्लस, यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर के साथ इनटू करना है आई को, और एन को पहले अपडेट करना है एन डिवाइड बाई टू से, फिर आई के साथ आई इक्वल्स टू आई इंटू टेन करना है, ठीक। नीचे प्रिंट एफ में एक मैसेज लाना है कि डेसिमल नंबर ऑफ, मैसेज आएगा कि डेसिमल नंबर परसेंट डी यहाँ यूज कर लिया इस बाइनरी नंबर इक्वल कर सकते हैं आप इक्वल टू बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर इक्वल्स परसेंट डी कर लिया, कॉमा में पहले करना है एन वन फिर देना है बाइनरी, ओके। तो ये जो एक परसेंट डी ये लगा है तो यहाँ पे आ जाएगा ये एन वन, और ये जो बाइनरी लिखा है उस पर क्या आ जाएगा, ये परसेंट डी ये वाला स्पेस पर, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनरी लिख दिया सेमी कॉलन और इसके बाद गेट सी एच, ठीक। इसको पहले कंपाइल कर लेता हूँ, टू एरर्स बता रहा है, बाइनरी इक्वल्स टू बाइनरी, अच्छा बाइनरी को डिफाइन नहीं किया है, स्पेलिंग गलत बता रहा है बाइनरी है, देखो लिखने में एरर कंप्लीट। तो होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे एक मैसेज आएगा, यूज़र इनपुट देगा, इनपुट जो मैंने समझाया था एन में मैंने नाइन लिया था, नाइन की कॉपी बन जाएगी, नाइन जो है वो वन टाइम पे जीरो से बड़ा रहेगा जो कि नॉट इक्वल टू जीरो होगा, कंडीशन ट्रू मिलेगी, नाइन का रिमाइंडर वन टाइम पे वन आएगा तो वन में स्टोर हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे आएगा तो वन इंटू वन करेगा पहले, तो बाइनरी वन बन जाएगा। एन को अपडेट करूँगा तो एन अपडेट होके कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा क्योंकि फोर टाइम्स जाएगा, आई को अपडेट किया तो आई हमारा अब टेन हो जाएगा। तो इसी तरीके से साइकिल चलती जाएगी और अप टू लास्ट जब मेरा इक्वल इक्वल जीरो आ जाएगा, ठीक है नॉट, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उस टाइम पे ये लूप टर्मिनेट होगा और कंट्रोल इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट में आ जाएगा, जो उसने बाइनरी नंबर स्टोर किया होगा वो बाइनरी नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
तो कंपाइल कर लिया था मैंने, अब इसको रन करता हूँ। रन करने पे देखो मांग रहा है कि एंटर डेसिमल नंबर, तो मैं यहाँ पे अगर मैं 9 देता हूँ तो ये देखो डेसिमल नंबर 9 इज इक्वल टू बाइनरी नंबर 101, ये प्रीवियस आउटपुट आ रहा है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ CLR SCR फंक्शन यूज करके। अगेन इसको मैं ओके CLR SCR को मुझे यहाँ नहीं रखना है, इसको करता हूँ यहाँ पे पेस्ट CLR SCR। ठीक ओके कंपाइल किया और देन इसको रन किया। ठीक है तो एंटर 9 मांग रहा है, तो 9 का क्या आएगा, डेसिमल नंबर 9 इज इक्वल टू बाइनरी नंबर 1001। ठीक है तो आउटपुट आपको मिल गया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।